साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 कदम सीरीज में क्वालिटी के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। साथियों ये सीरीज हमारी अनवरत चल रही है, इसके 850 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है। तो आप हमारे कैलिबर अड्डा प्लीज जाइए, प्लेलिस्ट विजिट करिए, आपको आगामी आने वाले एग्जाम्स में इसको बहुत लाभ मिलेगा। साथियों अगर पसंद आए तो कैलिबर अड्डा को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। आइए देखते हैं आज के पॉलिटी के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस देश से समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया? तीनों अगर एक साथ देखा जाए, कहाँ से लिया गया? तो ये हमारी फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। फ्रांसीसी क्रांति बहुत जबरदस्ती क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। बहुत बड़ा खूनी संघर्ष था, ये बहुत लंबी चली, ये 1789 से 1799 तक 10 साल तक ये क्रांति चली। और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट की तानाशाही स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संविधान की प्रस्तावना को मूल ढांचा माना? तो सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार, बनाम केरल राज्य सरकार 1973 के केस में क्या माना है कि प्रस्तावना को मूल ढांचा माना गया, कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। बेगारी प्रथा किस अनुच्छेद के तहत अवैध है? तो आपका ये आर्टिकल 23, इसमें मानव तस्करी है और किसी को बेगार काम लेना, मतलब बिना पैसा दिए फालतू का काम कराना, और बलात्श्रम जो है ये इसके इस अनुच्छेद द्वारा निषेध किया गया है। आज का आर्टिकल 23। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब सेशन ना चल रहा हो, जब संसद सत्र ना चल रहा हो। ना चल रहा और आवश्यक हो कोई अधिनियम बनाना तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, आर्टिकल 123 के तहत इसको शक्ति प्राप्त है। ऐसे राष्ट्रपति जो स्वतंत्र राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे, हमारे थे चौथे राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी जी, वीवी गिरी, बराह गिरी वेंकट गिरी नाम था इनका, बराह गिरी वेंकट गिरी, वेंकट गिरी। जब हमारे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी कार्यकाल में, तब हिदायतुल्ला जी जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, वो कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद बेबी गिरी जी का जी जो थे वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को हराए थे। तो ये निर्दलीय स्वतंत्र राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, निर्दलीय चुने गए थे। और इन्हें 1975 में भारत रत्न पुरस्कार भी हासिल हुआ है। 1975, 1980 में इनकी मृत्यु हुई है, 1975 में 1894 इनका जन्म हुआ था, 1975 में भारत रत्न। विश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? श्री वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजा मांडा, इलाहाबाद में मांडा है वहां के राजा थे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनकी सरकार वाम दल तथा बीजेपी के समर्थन से बनी थी, लेकिन क्या 1989 में, लेकिन रथ यात्रा का विरोध करने के कारण बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था।
अविश्वास प्रस्ताव में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, उसमें यह अविश्वास प्रस्ताव हार गए थे, इसलिए इनको हटना पड़ा था। लगभग 1 साल रहे थे प्रधानमंत्री तो, लेकिन इनका योगदान बहुत बड़ा है। पिछड़ों का आरक्षण देने में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू इन्होंने लागू की थी, इसलिए इनको याद किया जाता है पिछड़ों के आरक्षण के लिए। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो ये 91 संविधान संशोधन 2003, संशोधन 2003 द्वारा ये मतलब संशोधन किया गया कि पहले क्या होता था कि कोई भी जितना भी कोई लिमिट नहीं थी, मंत्री शपथ ले रहे हैं तो ये किया गया कि लोकसभा की जितनी संख्या है, जितनी संख्या सीटों की संख्या है, उससे 15% से ज्यादा आप मंत्रिमंडल आपका नहीं हो सकता, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। राजसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राज्यसभा को, आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्यसभा को, राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है। अगर राज्यसभा ये जानती है कि ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है तो अपने 2/3 बहुमत के साथ हैं क्या कर सकती है, और एक प्रस्ताव पास करके संसद लोकसभा को भेजती है, लोकसभा उस पर कानून बना सकती है। अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? तो अब तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। एक बार 1961 में बुलाया गया था, दूसरा 1978 में, और तीसरा आपका 2002 में। कौन कौन से? 3 बार। एक डावरी प्रोहिबिशन एक्ट था, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 था, एक था बैंकिंग कमीशन एक्ट, सर्विस बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट, बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट 1978, दूसरा था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। तो इसमें क्या रे संयुक्त सत्र बुलाया गया था, अधिवेशन बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति आहूत करता है, अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इसमें सामान्य विधेयक ही मतलब आपका वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये 3 बार अब तक बुलाया जा चुका है संयुक्त अधिवेशन। लास्ट क्वेश्चन है, एससी के किस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था? तो ये वी रामास्वामी, कौन थे? वी रामास्वामी। उन्नीस सौ तिरानबे में प्रस्ताव लाया गया था महाभियोग का, इनको पहली बार वी रामास्वामी जो सुप्रीम कोर्ट के थे, माननीय न्यायाधीश थे, लेकिन कांग्रेस ने मतदान में भाग नहीं लिया था लोकसभा में, तो ये महाभियोग प्रस्ताव गिर गया था। तो साथियों, ये रहे हमारे आज के बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, आशा है आपको समझ में आया होगा। कोई अगर आपको सजेशन है कोई आपको, तो आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हमारे साथ लगातार आप बने रहिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको इसकी PDF दी जाए, तो जल्दी आपको इसकी PDF भी अवेलेबल हो जाएगी, और आप हमारे साथ बने रहिए कैलिब्रेट अड्डा में। अगर आपको पसंद आए मेरा चैनल तो आप हमें प्रोत्साहित करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो अपलोड होते हुए। साथियों, खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, बिंदास रहिए, और अपने लक्ष्य को हासिल करिए। कैलिब्रेट अड्डा के साथ कैलिब्रेट को एनहेंस करते रहिए। जय हिंद साथियों।